विवादित बयानों के लिए अक्सर सुर्खियों में रहने वाले उन्नाव के भाजपा सांसद साक्षी जी महाराज ने रेवाड़ी में कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। राहुल गांधी व कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए कहा, उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता कभी टोपी तो कभी जनेऊ धारण करने में माहिर हो चुके हैं। सांसद साक्षी जी महाराज ने कांग्रेस पार्टी के खिलाफ एक बार फिर जमकर जहर उगला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस देश की सबसे बड़ी सांप्रदायिक पार्टी है और इसी सांप्रदायिकता के कारण ही देश के दो टुकड़े हो गए हैं। वैसे भी कांग्रेस पार्टी फूट डालो और राज करो नीति पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष बनने जा रहे राहुल गांधी भी अब कभी टोपी तो कभी जनेऊ धारण करने में माहिर हो गए हैं। कपिल सिब्बल के भी बयान की देश में चहु और निंदा हो रही है, मगर भारतीय जनता पार्टी पीएम मोदी के नेतृत्व में निरंतर विकास की ओर अग्रसर है। जहां तक गुजरात चुनावों का सवाल है तो वहां भी विकास के दम पर पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। पढ़ा भी होगा कि इसका डिसीजन 2019 के बाद किया जाए, अदरवाइज इससे चुनाव प्रभावित होंगे, तो उनका उस बारे में थोड़ा बताइए। मुझे पता नहीं वो कौन से चुनाव की बात करते हैं, लेकिन कपिल सिब्बल ने जो बयान दिया उस बयान से न तो सिया वक्फ सहमत था, न सुन्नी वक्फ बोर्ड सहमत था। शायद वो सुन्नी वक्फ बोर्ड के वकील न हो करके किसी कांग्रेस वक्फ बोर्ड के वो मेंबर की तरह बात कर रहे थे, और पूरे देश में सिब्बल के इस बयान की निंदा हुई है। और सबसे बड़ी बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने उनकी दलील को नकार दिया। सर, कांग्रेस पार्टी धर्मनिरपेक्षता की बात करती है, लेकिन राहुल को ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि वो गुजरात में हिंदुत्व का राग अलाप रहे हैं? कांग्रेस से बड़ी सांप्रदायिक पार्टी कोई हो नहीं सकती, क्योंकि संप्रदाय के आधार पर ही कांग्रेस ने इस देश के बंटवारे कराए और सांप्रदायिक के कारण आज तक कश्मीर की समस्या बनी हुई है। केवल तुष्टिकरण के आधार पर फूट डालो और राज्य करो, कांग्रेस से नीति कांग्रेस ने नीति सीखी है, उसी के आधार पर जब जम्मू कश्मीर में चुनाव होता है तो सुर्खी टोपी चलाते लगाते हैं राहुल गांधी, जब यूपी में चुनाव होता है तो पूरे मौलवी मौलाना बन जाते हैं टोपी लगा के और हरा गमछा पहन करके, और जब उत्तर और जब गुजरात में चुनाव का नंबर आता है तो जनेऊ दिखाते हैं, मंदिर मंदिर भटकते हैं। वो लोग जो राम के अस्तित्व को स्वीकार नहीं कर रहे थे, कह रहे राम केवल काल्पनिक हैं, वो आए राम के मंदिर में जा रहे हैं, तिलक लगा रहे हैं, जनेऊ दिखा रहे हैं, तो नौबत कैसे आ रही कि जनेऊ दिखाने की आवश्यकता पड़ गई? जिंदगी में आज तक तो इनके खानदान में किसी ने जनेऊ दिखाया नहीं, आज राहुल गांधी को जनेऊ दिखाने की नौबत आ गई। गुजरात में चुनाव में काफी सरगर्मियां हैं, क्या प्रतिक्रिया रहेगी? मोदी का जादू है, विकास किया है, सबका विकास सबका साथ। जैसे उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव और अभी मेयर के चुनाव 16 में से 14 हम जीते हैं, उसी प्रकार से हमारे मिश्रा जी ने जो कहा है कि हम गुजरात में 150 से ऊपर जाएंगे, तो मुझे पूरा विश्वास है 150 से ऊपर जाएंगे। उन्नाव आप से आप सांसद हैं, उन्नाव में निकाय चुनाव में पार्टी की हार हुई, इस बारे में ऐसा तो नहीं है? निकाय चुनाव में चुनाव में ऐसा तो नहीं है, हम लोग 5-6 जगह 6 जीते भी हैं, हारे भी हैं। अब इसके बारे में टिप्पणी मैं इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि कहीं कहीं पार्टी नेतृत्व वहां टिकट देने में भूल हुई है।